भगवान की प्राप्ति का यह जो है बहुत ही सरल उपाय है, अपने हृदय को स्वच्छ रखिए, निर्मल रखिए, तो भगवत प्राप्ति, भगवान आपका हृदय वह वैकुंठ हो जाएगा, भगवत प्राप्ति सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। निरस्त कुहकम, कपट रहित वह जो देश है जहां परमात्मा निवास करते हैं, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, वह परमात्मा जो निराकार है, निरीह है, शेषय्या पर सदा जो है प्रभु, आप चित्र देखते होंगे, शेषय्या पर लेटे हुए नारायण का चतुर्भुज स्वरूप लक्ष्मी जी पैर दबा रही ना, चरणों की सेवा लक्ष्मी जी क्या, भगवान शेष ऊपर में क्षत्र की तरह है, वह स्वरूप परमात्मा का, तो यह स्वरूप बना रहता है परमात्मा के मन में आता है कि मैं कुछ लीला करूं, एको हम बहुश्यामा, मैं एक ही हूं, कुछ लीला हो, अब लीला होने के लिए तो दो होना ना, तो कहते हैं महाराज परमात्मा, वह परब्रह्म परमात्मा, वह ब्रह्म कहते हैं, वो माया का आश्रय लेते हैं, है? माया मतलब श्री किशोरी जी, माया मतलब श्री राधिका जी, माया मतलब श्री लक्ष्मी जी, तो आश्रय लेते हैं प्रभु और कहते हैं कि परमात्मा, आप रासलीला देखते होंगे ना, रासलीला में हमारे ठाकुर श्री किशोरी जी के साथ जब बैठे रहते हैं और श्री किशोरी जी को कहते हैं उस समय कि हे प्राण प्यारी जू, आपको दिव्य रासलीला को समय हो गए हो है, तो कृपा करके रास मंडल में पधारो, और श्री किशोरी जी कहती हैं पधारो प्यारे, दोनों लोग जब उतरते हैं रास मंडल में और फिर सखियां गाती है, नृत्य शुरू होता है दिव्य रास, कहते हैं परमात्मा, जब पुरुष प्रकृति का आश्रय लेकर के महाराज दिव्य रास मंडल में उतरते हैं, तीव्र गति से वह जब नृत्य होता है, एक नील आभा एक पीत आभा, हमारे ठाकुर जो है श्याम वर्ण के, श्री किशोरी जी पीत वर्ण की, चंपा की तरह ना स्वर्ण आभा जैसी, और दोनों जब दिव्य नृत्य करते हैं, इतनी तीव्र गति का वह नृत्य, इतनी भावपूर्ण, कहते इतनी तेजी से नाचते हैं ठाकुर कि महाराज वह दिख नहीं पड़ता ठाकुर कहां, श्री किशोरी जी कहां, इतनी तेजी से नाचते हैं कि कहते हैं यह विशाल हरा भरा संसार प्रकट हो जाता है, ये नीला रंग होता है, नीला रंग हमारे ठाकुर का सुंदर स्वर्ण आभा जैसा, पीला रंग हमारी श्री किशोरी जी का, नीला पीला रंग मिलाकर के देखना क्या बनता है, हरा रंग बनता है, तो ठाकुर माया का आश्रय लेकर यह विशाल संसार प्रकट करते हैं, प्रकृति हरा भरा हरी भरी, यह विशाल सृष्टि, झरना पहाड़ सुंदर, यह धरा, ऐसे परमात्मा कैसे है वह परमात्मा, अर्थेश अभिज्ञ स्वराट, जो हमारे मन के भावों को जानते हैं, परमात्मा कैसे है, वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो बोले परमात्मा अर्थेषु अभिज्ञः, अभिष्टम यह जानाति सः अभिज्ञः, बोलते हैं जो हमारे अभिष्ट को जानते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे मन में क्या है, लोग जाएंगे मंदिर में और जाकर के कहना शुरू करते हैं हनुमान जी महाराज घर बन जाता, दूसरा वाला तल्ला बन जाता तो बड़ी कृपा होती है, एक बिटिया है एक बेटा हो जाता तो बड़ी कृपा होती, महाराज कारोबार शुरू हो गया है सब कुछ लाइन पे आ जाता तो बड़ी कृपा होती, लोग जाकर के बोलते हैं, ऊपर में तो और बुद्धिमान लोग मनौतियां करते हैं, ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, हनुमान जी कहते हमारा ही दिया हुआ हमें को चढ़ा रहे, हमने दिया है और हमें को बता रहे हैं ये महाराज
5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी ने जैसे बेसन नहीं देखा, चढ़ाएं पर मनौतियों के लिए नहीं, प्रेम से चढ़ाओ, ठाकुर तुम्हारा दिया हुआ है, हम तो इस लायक नहीं कि आपको अर्पित कर सके, फिर भी जो बन पड़ा हमारे छोटे हृदय से, बहुत छोटा हृदय है हमारा, आपका विशाल स्वरूप है प्रभु, हम आपको अर्पित करते हैं। सरलता से, सहजता से, प्रेम के द्वारा परमात्मा को जो अर्पित किया जाए, भगवान सब जानते हैं। एक बात अभिज्ञ है, और भगवान अपने भक्त के लिए वही करते हैं जो उनके लिए ठीक हो। आपकी बुद्धि सीमित है, आप और हम अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं सोच पाते, पर हमारा सही स्वार्थ तो ठाकुर समझता है, हमारे लिए क्या उचित है। जैसे बच्चा, एक छोटा सा बालक, वह माँ के पास खेल रहा है, अचानक उसकी नजर पड़ी एक चमकते हुए सामग्री पे, बहुत अच्छा है, दौड़ा उसको लेने के लिए, और जब ही दौड़ा माँ ने देखा रही है तो चाकू है, झट से हटा लिया। अब तो बच्चा रोए, जो रोए सो रोए, रोते हैं ना बच्चे, जो रोए, अब कितना भी रोएगा माँ हाथ में चाकू देगी नहीं देगी, बच्चा तो बड़ा परेशान, माँ ने हटा लिया हमारे हाथों से। यही जीव का स्वरूप है, हम अपने सुख को जिन वस्तुओं में समझते हैं, भगवान कहते हैं भैया तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इससे नुकसान में पड़ोगे, और कभी कभी ठाकुर उन सामग्री को हटा लेते हैं, जीव रोता है, कलपता, नहीं हमारा बड़ा नुकसान हो गया, ये चला गया, भगवान जानते हैं इसके बाद क्या लीला होनी है, तो ठाकुर कृपा करके हटाते हैं। इसलिए जिस परिस्थिति में जैसे भी गोविंद रखें, आप समझना ठाकुर की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है।